ओ हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि आज बहुत दिन हो गया शूट किए हुए, तो आज हम लोग जाएंगे गांधीधाम में शूट करने। तो जैसे कि मैंने बताया था, ईद पे मैंने केटीएम लिया है, तो आज उसी केटीएम के राइड से हम लोग जाएंगे गांधीधाम में। उधर शॉपिंग करेंगे और भी जो भी कुछ करते हैं आपको उसका शॉट दिखाएंगे। इसके लिए वीडियो पर बने रहिए, आज का वीडियो बहुत यूनिक होने वाला है। चलिए अब चलते हैं हम लोग शूट पे। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finally guys, हम लोग गांधीधाम पहुंच गए। तो हम लोग एक चार्जर लिए थे, वो चार्जर को बदलवाने आए हैं गांधीधाम में। तो चलिए हम लोग दुकान का शॉट आपको दिखा देते हैं। तो ये देख लीजिए गाइस, दुकान का शॉट राजेश्वर मोबाइल करके है, जो कि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा मोबाइल से रिलेटेड। मोबाइल के जो भी होते हैं, एयरफोन हुआ, चार्जर हुआ, एंड कवर हुआ, मोबाइल कवर, गोरिल्ला ग्लास, हर चीज़ मिल जाएगा। ये जस्ट अभी न्यू ही खुला है, आप देख सकते हो। साइड में भी यहाँ का दुकान का काम चालू ही है, ये सब देख सकते हो। और ये जस्ट सरदार हरि सिंह मेनवाल सिंह के सामने है, और हार्वेल्स गैलेक्सी दुकान के जस्ट सामने। तो गाइस, जो काम के लिए हम लोग आए थे वो काम हमारा हो चुका है, और जो चार्जर बदलवाना था वो बदला गया है, ये देख लीजिए चार्जर। तो अभी हम लोग चलते हैं एक स्वीट के दुकान पे, हमें वहाँ से कुछ स्वीट लेना है। आपको दुकान का ही शॉट दिखाएंगे, इसके लिए वीडियो बने रहिए। फाइनली गाइस, हम लोग सोनल डेयरी फार्म पे पहुंच चुके हैं, जो कि झंडा चौक के जस्ट आगे ही है। ये पहले पुराना था, अब इसको नया बनाया गया, नया शिफ्ट किया। चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस देख सकते हो पूरा कितने टाइप्स के, कितने वैरायटीज के स्वीट्स पड़े इधर। हम लोग कंफ्यूज हो रहे कि कौन सा स्वीट ले। तो गाइस, आप लोग कमेंट कीजिए आपको कौन सा इसमें से स्वीट अच्छा लगता है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए कि हमें एक मोटिवेट मिल सके। तो गाइस देख सकते हो कितने एकदम फ्रेश स्वीट इधर आपको मिलेंगे, देख लीजिए। तो गाइस, मैं लेता हूँ केसर पेड़ा। तो हमने ऑर्डर दे दिया है केसर पेड़ा का, और वो अभी बॉक्सिंग मतलब पैकिंग हो रहा है। पैकिंग होने के बाद हम लोग उसको लेके फिर चलेंगे, फिर आपको और हमें रास्ते में जो भी कुछ मिलता है उसका आपको शॉट दिखाएंगे। तो गाइस, अगर आपको कोई मिठाई लेना हो तो आप सोनल डेयरी फार्म में आ जाइएगा, ये इधर एकदम फ्रेश मिठाई मिलता है। तो गाइस, हमने ये मिठाई ले लिया है, अब चलते हैं बाहर की ओर। हमारा बाइक बाहर खड़ा है, तो हम लोग बैठेंगे फिर जस्ट चलेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे बीच गली। बीच गली में मेरे भाई का दरअसल एक स्लीपर लेना था, तो अच्छा वही दुकान हो फुटवेयर का, तो उधर से हम लोग लेंगे। आपको दुकान का ही शॉट दिखाएंगे, तो फिर चलिए चलते हैं। फाइनली गाइस, हम लोग आ गए हैं गांधीधाम के मेन मार्केट में। तो यहाँ पे कोई फुटवेयर का शॉप ढूंढते हैं, फिर वहाँ से अपने भाई के लिए स्लीपर लेते हैं, फिर आपको शॉर्ट दिखाते हैं।
तो फाइनल गाइस चलते हम लोग फुटवेयर का शॉप ढूंढते हैं, फिर उस शॉप पे जाके हम लोग अपने भाई के लिए स्लीपर ढूंढते हैं। तो आइए चलते हैं, बहुत गर्मी है यार। तो गाइस देख लीजिए हम लोग आ गए हैं पूरे फुटवेयर के शॉप पे, कितने सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग डिज़ाइन के चप्पल एंड शूज़ दिख रहे हैं आपको, देख सकते हो। तो हम लोग निकलवाते हैं अपने भाई के लिए कुछ चप्पल, ये देखिए कितने अलग अलग डिज़ाइनिंग के चप्पल हैं। तो हम लोग अपने भाई के लिए, मेरे को स्लीपर लेना था तो स्लीपर हम लोग ढूंढते हैं फिर लेते हैं। तो गाइस आप भी कमेंट कीजिए कि आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा, शू अच्छा लगा या सैंडल या चप्पल। तो भाई कौन सा ले, कंफ्यूज हो यार इतने सारे अलग अलग चप्पल। तो भाई देखिए शॉपकीपर ने हमें एक चप्पल दिखाया है जो कि फ्लाइट कंपनी का है और अच्छा भी है, और इसका प्राइस 220 रुपये है, और वैसे अच्छा भी दिख रहा है फ्लाइट कंपनी का, वैसे मस्त होता है इसका क्वालिटी एंड जो इसके और भी बेस्ट होते हैं इसके हर चीज़। हमें ये चप्पल पसंद आए, हम इसको पैकिंग करवाते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस गर्मी में घूमते घूमते बहुत प्यास लग गया है और हम कुछ नींबू पानी पियेंगे, उसका आपको शॉर्ट दिखाएंगे, वैसे भी नींबू पानी अपने हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो चलिए अभी मतलब 3 बजे बंद हो जाएगा पूरा गांधीधाम, तो हमें अभी जस्ट 2:15 हो चुका है। अब हम लोग बस ये पी के घर के लिए निकलते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हमारे न्यू वीडियो आपके पास पहुंच सके। अभी लॉकडाउन चल रहा था इसके लिए मैं दूसरा वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, तो अगर लॉकडाउन अच्छा से खुल जाता है तो उसके बाद मैं शूट पे जाऊंगा, आपको हर हफ्ते में 2-3 वीडियो मिलेंगे। तो ओके चलिए, तो हम लोग घर पे चलते हैं। लोग चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिए। ओके चलिए बाय। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं मार्केट से, तो मार्केट में मतलब हमने बहुत मतलब शॉपिंग किया, एंजॉय किया, और साथ में KTM राइड भी ली। और KTM में मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इतना लंबा टूर पे गया था गांधीधाम में, जो कि KTM से गया था। वैसे मैं नॉर्मली स्कूटी से आता जाता हूँ, तो इस बार मैं KTM से गया, बहुत मज़ा आया KTM चलाने में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो आपके तुरंत पहुँच जाए। तो ओके चलिए बाय।